क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये वाली, आर इक्वल, देन प्रूव डेट, प्रूव डेट क्या करना है वो तो हमने लिखा ही नहीं यार, देन प्रूव डेट हमें लिखना है 2a इक्वल टू बी प्लस सी, देन प्रूव डेट 2a इक्वल टू बी प्लस सी, बहुत ही शानदार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, चार नंबर का आया हुआ है, करेंगे कैसे देखा देखो ध्यान से, हमें पता है भाई इक्वेशन लिख लो क्या है ये a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड कंपेरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेरिजन करो, स्टैंडर्ड क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस यहाँ पे ए कितना आ गया देखो ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास ए माइनस बी, और बी कितना आ गया बी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया बी माइनस सी, और सी कितना आ गया सी इज इक्वल टू सी माइनस ए, ये तीनों आ गए। अब हमें पता है कि भाई इक्वल रूट्स, फोर इक्वल रूट्स, फोर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है। बी कितना है बी यहाँ पे रख दो तो बी कितना है मेरे पास बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू ए कितना है ये रहा ए माइनस बी, ए माइनस बी, और सी कितना है वो सी कितना है तो ये है सी माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको खोल देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, और यहाँ से क्या आएगा देखो ध्यान से तो फोर ऐसे ही रहा इसकी मल्टीप्लाई करो तो इसकी तो ए सी फिर माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ से माइनस का बी सी और माइनस माइनस प्लस का ए बी, ठीक है, पूरे के बाहर में क्या है फोर तो फोर को अंदर भेज दो तो देखो ध्यान से तो क्या आएगा यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू और माइनस का टू बी सी इज इक्वल टू फोर को अंदर भेज दो तो क्या आएगा फोर ए सी माइनस फोर ए स्क्वायर और माइनस का फोर बी सी और प्लस का फोर ए बी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फार्मूले का यूज हुआ है वो फार्मूले अब फार्मूला आपको स्ट्राइक कर गया तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। हमने एक फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा कि नहीं मुझे एग्जैक्ट आपको पता नहीं होगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है, इस फार्मूले का यूज हुआ है इसमें। अब देखो ध्यान से मुझे टू ए और बी प्लस सी लाना है मतलब ए का कोफिशियंट कितना होना चाहिए यहाँ पे टू ए, अगर मैं इसी फार्मूले को ये कर दूँ ध्यान से देखो इसी फार्मूले को ध्यान से देखना बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं ये कर दूँ टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा देखो इसका स्क्वायर तो मतलब फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी मतलब टू ए बी तो टू टू या फोर तो मतलब फोर ए बी प्लस टू बी सी और प्लस का फोर सी ए, ये ऐसा कुछ दिख रहा है देखो ध्यान से ऐसा बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे फोर ए बी है तो ये रहा फोर ए बी, लेकिन यहाँ पे कितना है फोर ए सी है, यहाँ पे भी देखो फोर ए सी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है देखो ध्यान से इसमें क्या नहीं है हमारे पास माइनस में आ रहा है तो माइनस में करने के लिए इसको क्या करेंगे ध्यान से देखो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है, इसको मैं एक तरफ ले आता हूँ सभी को उठा के सभी को मतलब उस पूरे वाले को इसको छोड़ दो इससे काम नहीं है मेरा इससे काम नहीं है मेरा इस पूरे को उठा के उस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो ध्यान से फोर ए सी माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर बी सी प्लस फोर ए बी और ये होके क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का टू बी सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको रीअरेंज कर रहा हूँ रीअरेंज कैसे इसको मैं ये लिख सकता हूँ टू इंटू टू ए इंटू सी इसको लिखा, ठीक है, और इसको इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूँ माइनस का टू ए इंटू टू ए, क्लियर है यहाँ तक, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस का टू इंटू टू बी इंटू सी, क्लियर है यहाँ तक, और प्लस का इसको फिर से वो लिख सकता हूँ कि टू इंटू कितना आएगा 2a इंटू बी और इधर से क्या कितना आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर
माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का बी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये कुछ कुछ ए और बी का फार्मूला बन गया। तो फाइनल इसको ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला बनेगा 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको खोल दो, तो इसको खोल दो तो यही लौट के आएगा। आई बात समझ में? तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है। आ गया समझ में अच्छे से? बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये स्क्वायर किस में चला जाएगा? जीरो में। यही मेरा इस सवाल का आंसर है। आया समझ में आपको? तो बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था, इसको अगर आपने सही से कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय दोस्तों।